हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए स्टैंडर्ड 8 का एक चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्रॉप क्या है, प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या है और मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्रॉप का मतलब होता है जो प्लांट एक बड़े से फील्ड में बहुत ज्यादा मात्रा में लगाई जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप एक ऐसा प्लांट होता है जिसको एक बहुत बड़े फील्ड में बहुत ज्यादा संख्या में हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप, हम उसे ही कहते हैं क्रॉप। तो प्रोडक्शन को क्यों बढ़ाए? देखो, आप सबको पता है कि आज जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इंडिया का वो तकरीबन 130 करोड़ है। तो पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है और जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। अगर ऐसे आबादी बढ़ेगी और कल्टीवेबल लैंड अगर ये कम होता जाएगा तो जो प्रोडक्शन होगा हमारा ये भी डेफिनेटली कम हो जाएगा, जिससे आगे हंगर की समस्या हम सबको सताएगी। इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये चैप्टर को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो बात ध्यान देने वाली है कि जो क्रॉप है डेफिनेशन को जैसा कहता है कि जो प्लांट को आप सबसे ज्यादा लगाते हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। जैसे आपका प्याजी हो गया, माइस हो गया, सुगा केन हो गया एक्सेट्रा, इन्हीं सब प्लांट्स को हम क्रॉप कहते हैं क्योंकि ये सारे प्लांट्स बहुत ही ज्यादा संख्या में बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगाई जाती है। तो जो क्रॉप होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फोटो पीरियड का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। ठीक है, फोटो पीरियड का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, के सनलाइट कितना प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। उसके बाद वाटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मॉइस्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, और सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये है क्रॉप, जो प्लांट को एक बड़े से फील्ड में एक बहुत बड़े एरिया में लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। और ये क्रॉप पैडी, मैज, सुगर केन कुछ एग्जांपल्स, और ये वेदर, जो क्रॉप होता है वो वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे वाटर पीरियड मतलब सनलाइट, वाटर, मॉइस्चर और सन, इसके ऊपर जो क्रॉप है ये ज्यादातर डिपेंड करता है। ठीक है, क्रॉप डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी, सॉइल, तो ये कुछ फिजिकल फैक्टर है, इनके ऊपर आपका जो क्रॉप होगा वो डिपेंड करता है इनके ऊपर। ठीक है, फोटो पीरियड मतलब सनलाइट, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट को हम कहते हैं फोटो पीरियड। वाटर, पानी कितना लगेगा क्रॉप को, इसी हिसाब से भी क्रॉप डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी,
ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर इन एयर, आपके एनवायरनमेंट में जो एयर है उसमें मॉइस्चर कितना है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और सॉयल, तो सॉयल जो होता है वो तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉयल के ऊपर भी आपका जो क्रॉप है ये भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसके ऊपर जो क्रॉप है आपका ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप। आपके जो क्रॉप हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो एक होता है रबी क्रॉप, एक होता है खरीफ क्रॉप और एक होता है जैद क्रॉप। जो रबी क्रॉप होता है इसको हम विंटर सीजन में लगाते हैं और जो खरीफ क्रॉप होता है उसको हम रेनी सीजन में लगाते हैं और जो जैद क्रॉप होता है उसको हम समर सीजन में लगाते हैं, ठीक है। और जो रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं, ध्यान से, जो रबी क्रॉप का जो एग्जाम्पल है वो कुछ है, यहां पे मैं लिख देता हूं। रबी क्रॉप का जो एग्जाम्पल है व्हीट, ग्राम और पी, ये है रबी क्रॉप का एग्जाम्पल। और जो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है वो है पैडी, मैज एटसेट्रा। और जैद क्रॉप का जो एग्जाम्पल है दैट इज कुकम्बर, वाटरमेलन एटसेट्रा, ठीक है। खरीफ क्रॉप को हम जून और सितंबर, जून टू सितंबर के बीच में हम लगाते हैं, जून से सितंबर के बीच में हम लगाते हैं। और बच्चों जो रबी क्रॉप होता है उसको हम अक्टूबर से मार्च के बीच में हम लगाते हैं। रबी क्रॉप को जून से सितंबर, जून टू सितंबर और खरीफ क्रॉप अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। तो ऐसे हम इनकी जो कल्टीवेशन है हम करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ये क्या है?
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में। ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। द स्टेट व्हिच आर टेकन टू गेट ए गुड क्रॉप, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब ये कुछ स्टेप्स होता है, ये कुछ प्रोसेस होता है, कोई स्टेप होता है जो एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, तीसरे के बाद चौथा स्टेप, हम ऐसे करते 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 जाते हैं, जिसको फॉलो करने पर ये कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम कल्टीवेशन करेंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब होता है ये कुछ स्टेप्स होते हैं, हम अगर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके कल्टीवेशन करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, तो हमको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही हाई होगा। तो उन्हीं स्टेप्स को ही हम कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब जैसे आप स्कूल के लिए निकल रहे हो तो उसके लिए तो कुछ स्टेप्स होगा, जैसे आप सुबह उठे, मुंह धोए, ब्रश किए, उसके बाद आपने थोड़ा सा नाश्ता किया, उसके बाद पढ़ाई की, उसके बाद आप नहाने के लिए गए, उसके बाद आपने यूनिफॉर्म पहना, सॉक्स पहना, शू पहना, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद अपना बैग लिया, वाटर बॉटल लिया और फिर आप स्कूल के लिए भागे। तो ऐसा होता है तो ये तो ऐसा तो नहीं होता कि आप सुबह उठे, उसके बाद आपने यूनिफॉर्म पहना और उसके बाद आप नहाने के लिए चले गए, यूनिफॉर्म पहन के आपने नहाने के लिए चले गए, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब ठीक इस तरह से है, आप वन बाय वन, एक के बाद एक ऐसे स्टेप्स को आप फॉलो करोगे जिससे आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो उन्हीं स्टेप्स को ही हम कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब जैसे जो सबसे पहला स्टेप आता है वो होता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। स्टेप वन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये स्टेप वन आपका। स्टेप टू में आएगा सोइंग, स्टेप टू में आपका आएगा सोइंग, उसके बाद स्टेप थ्री एडिशन ऑफ मैन्योर, स्टेप थ्री में आएगा आपका एडिशन ऑफ मैन्योर, स्टेप फोर में इरिगेशन, स्टेप फोर में आएगा आपका इरिगेशन, स्टेप फाइव में वीड कंट्रोल, स्टेप सिक्स में हार्वेस्टिंग, और स्टेप सेवन में
स्टोरेज ठीक है। सो ये है स्टेप। तो अगर हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके एग्रीकल्चर करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, तो हमको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। जिससे जैसे स्टेप वन में है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले हमको सॉइल को अच्छी तरह से सीड सोइंग के लिए रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद सोइंग, एक बार सॉइल प्रिपेयर हो गया उसके बाद हमको जो सीड होता है उसे सो करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री, यहाँ पर क्या होगा, जो सीड है आपका वो धीरे धीरे करके बड़ा होगा, ग्रो करेगा। उसी टाइम हमें जो मैन्योर है अपने सॉइल में मैन्योर को डालना पड़ेगा। उसके बाद इरिगेशन हमें करना पड़ेगा। इरिगेशन के बाद वीड कंट्रोल, उसके बाद हार्वेस्टिंग और उसके बाद स्टोरेज। तो ये है स्टेप्स। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स को अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप वन में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को एक प्लाव की मदद से हम उसे प्लाविंग करते हैं, ठीक है। एक प्लाव के मदद से हम उसे अच्छे से प्लाविंग करते हैं, ठीक है। सो प्लाविंग में क्या होता है, टिलिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सॉइल। हम सॉइल को बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे ट्रैक्टर हो गया या हमारे पास ट्रेडिशनल टूल्स भी हैं, बुलक और प्लाव शाफ्ट, इसके मदद से हम क्या करते हैं, सॉइल को बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी खुदाई करते हैं। जिससे क्या होता है, ऊपरी वाले हिस्से में जो सॉइल है वो नीचे जाता है। जो सॉइल का जो लेयर है ये कुछ इस तरह से होता है। मान लो कि ये कोई प्लांट है, और ये इसका रूट है। जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है जो सॉइल का, ये वाला हिस्सा, ये बहुत ही फर्टाइल होता है। मतलब इसके ऊपरी वाले हिस्से में न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स ये सब होते हैं, मगर नीचे वाले हिस्से में वो बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए हम प्लाव करते हैं ताकि ये ऊपरी वाले सॉइल में जितना भी सारा न्यूट्रिएंट्स है ये नीचे जाए, इसीलिए हम करते हैं प्लाविंग, ठीक है। तो आपका
सॉइल और प्लाव हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेवलिंग कर देंगे, इसको एक वुडन प्लैंक लेंगे, प्लाव होने के बाद जो सॉयल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो सॉयल के बहुत बड़े बड़े लॉम्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्रॉम्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक वुडन प्लैंक लेंगे, वुडन प्लैंक, अब इसके मदद से हम ये सॉइल को एकदम प्लेन बना देंगे, पूरा प्लेन हो जाएगा, जिससे सोइंग में हमको बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप वन आपका भी कंप्लीट हो गया, अब चलेंगे स्टेप टू की ओर। स्टेप टू में सोइंग, सोइंग के लिए हमको बहुत ही गुड क्वालिटी का सीड चाहिए। सोइंग के लिए आपको बहुत ही गुड क्वालिटी का सीड चाहिए, तो इसलिए आप क्या करोगे, मार्केट जाओगे, मार्केट गए उसके बाद जहां पर सीड बिकता है, सीड का स्टोर, वहां पे जाओगे और एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले जाओगे, उसके बाद वन फीस्ट ऑफ सीड उस ग्लास के अंदर डाल देना। अगर सीड डूब जाए तो इसका मतलब वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीड रहेगा। अगर सीड पानी में तैरा, फ्लोट करने लगा, इसका मतलब वो सीड बिल्कुल सही नहीं होगा। इसीलिए बहुत ही हाई क्वालिटी का जो सीड है वो पानी के नीचे क्या होगा, डूब जाएगा। तो अभी आपने सीड सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल के मदद से आप सीड को सो करोगे। मान लीजिए आपने एक सीड को यहां पर सो किया, एक सीड को यहां पर सो किया और एक सीड को यहां पर सो किया। सीड सीड के बीच में गैप होना चाहिए, सीड सीड के बीच में गैप होना चाहिए। अगर आपने सीड के बीच में, अगर आपने सीड के बीच में गैप नहीं रखा तो क्या होगा, सारे सीड को सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर सब गैप में रहेंगे तो सबको बराबर की मात्रा में सारी चीजें मिलती रहेगी। अगर आपने सबको एक साथ लगा दिया तो सबके बीच में एक कंपटीशन हो जाएगा कि कौन इन चारों को कौन सबसे ज्यादा लेता है। अगर आप अलग अलग इनको शो करोगे तो सब सारों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा, सबको समान मात्रा में सारी चीजें मिलती रहेगी और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर सबको अगर आपने एक साथ शो कर दिया तो ये तीनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। किसी को ज्यादा मिलेगा तो वो, अगर मान लो जी यहां पर आपने सीड को ऐसे शो कर दिया पांच सीड को, अगर किसी को ज्यादा मिल जाएगा तो वो ऐसे ग्रो करेगा, अगर किसी को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा तो वो ऐसे ग्रो करेगा, और किसी को अगर नहीं मिलेगा तो वो इतना छोटा सा ही होगा। इसीलिए ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सीड सोइंग करने के टाइम, सीड सोइंग करने के टाइम सीड सीड के बीच में गैप रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है।
और सीड सोइंग के लिए ट्रेडिशनल टूल है या फिर सीड ड्रिल की मदद भी हम ले सकते हैं। मगर ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि हमको क्या करना होगा, हमको गैप मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में आता है आपका एडिशन ऑफ अ मैन्यूअल। अब ये मैन्यूअल क्या है? देखो बच्चों, जो मैन्यूअल होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है। मैन्योर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है, उसे हम कहते हैं मैन्योर। ये मैन्योर से जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिएंट्स, अपना खाना वो लेता है और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसे काम में लगाता है, उसे हम कहते हैं मैन्योर। अब ये जो मैन्योर होता है ये दो तरह का है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन्यूअल। ठीक है, जो नेचुरल है ये नेचुरली बनता है, किससे? प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट से हम बनाते हैं। और जो मैनमेड होता है इसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बनाते हैं। तो पहले नेचुरल मैन्योर के बारे में हम देखेंगे। नेचुरल मैन्योर में सबसे पहले आता है कंपोस्ट, उसके बाद आएगा आपका वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद आएगा आपका ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट क्या है? आप अपने घर के बैकयार्ड में एक बड़ा सा पीट बना लीजिए, गड्ढा बना लीजिए, जितना भी प्लांट वेस्ट होगा, जितना भी एनिमल वेस्ट होगा आप उसके अंदर डालते जाइए। आपको तकरीबन 4 से 6 महीने के बाद क्या होगा, जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में वो उस प्लांट वेस्ट को, एनिमल वेस्ट को डीकम्पोज करके मैन्योर में बदल देंगे, दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट। और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट क्या है? सेम प्रोसेस, एक बड़ा सा गड्ढा बना लीजिए, जितना भी प्लांट वेस्ट होगा और एनिमल वेस्ट होगा आप उस गड्ढे में डाल दीजिए। और उसके बाद रेड वर्म, स्पेशल टाइप ऑफ आर्ट वर्म जिसका नाम है रेड वर्म, उस गड्ढे में आप डाल दीजिए और आपको जल्दी से 2 महीने के अंदर, within 2 months आपको मिल जाएगा वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, साफ कर दो थोड़ा सा। मान लीजिए आप अपने फील्ड में, ये आपका फील्ड है, इसमें आपको एक क्रॉप लगाना है, कोई भी क्रॉप है, मान लीजिए वो कोई क्रॉप ए,
ये जो क्रॉस है जिसका नाम है ए, आपको अपने फील्ड में लगाना है। इसको लगाने से पहले आप क्या करेंगे, सॉन हेम्प प्लांट को या फिर काओपी प्लांट, ये प्लांट को आप अपने फील्ड में लगा दीजिए। सॉन हेम्प प्लांट हो या फिर काओपी प्लांट लगा लिया। जब ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा और फ्लावरिंग स्टेज में आ जाएगा, बड़ा होगा और फ्लावरिंग स्टेज में आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे, इनके ऊपर इनको प्लाव कर देंगे, इनको आप प्लाव कर देंगे, मल्च कर देंगे, मल्च मल्च इनके ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो प्लांट है ये उखड़ जाएगा, सॉइल से बाहर आ जाएगा और आपके फील्ड में ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में, ये क्या करेंगे, इन डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के बाद इनको एक क्या करेंगे, इनको मैन्यूअर में बदल देंगे और इसी को ही हम कहेंगे ग्रीन मैन्यूअर, इसी को भी हम कहेंगे ग्रीन मैन्यूअर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ग्रीन मैन्यूअर। अब ये ग्रीन मैन्यूअर के बाद अब आप जो अपना क्रॉप था, क्रॉप है, अब आप उसे शो कर सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे फर्टिलाइजर के बारे में। ये तो मैन मेड है, फैक्ट्री में बनता है, जैसे आपका सुपर फास्फेट, अमोनिया, एनपीके मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके फर्टिलाइजर्स के। ठीक है, अब हम देखेंगे एक कंपैरिजन मैन्यूर और फर्टिलाइजर के बारे में। दोनों में कौन सही है, सो मैन्यूर नेचुरली मेड और जो फर्टिलाइजर दैट इज मैन मेड। जो मैन्यूर होगा वो इको फ्रेंडली, सॉइल को वाटर को ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, मगर जो फर्टिलाइजर होगा दैट इज नॉट इको फ्रेंडली, ये बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं होगा, सॉइल को पॉल्यूट करेगा और वाटर को भी, और ये इट मेक्स सॉइल फर्टाइल, सॉइल को उपजाऊ बनाएगा। अगर वह ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे
इट मेक्स सॉइल बैरन, ये सॉइल को बैरन कर देगा, मतलब उसमें आगे कोई भी फसल नहीं उगेगा। इट हेल्प्स हेल्दी माइक्रोब्स, मिट्टी में जितने भी सारे हेल्पफुल माइक्रोब्स होते हैं ये उनको हेल्प करेगा, लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है इट हार्म, ये उन माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचाएगा, हार्म करेगा। ठीक है, तो ये है कुछ कंपैरिजंस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इट हैज लेस न्यूट्रिएंट, इट हैज हाई न्यूट्रिएंट, इसीलिए फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, दिस इज नॉट पोर्टेबल, इसको इजीली कैरी करके हम नहीं ले जा सकते, लेकिन फर्टिलाइजर को इट इज पोर्टेबल, इसको हम कैरी करके ले जा सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक differences between fertilizer and manure.